आज आपने प्रदर्शन किया है, इसमें क्या मतलब? देखिए, देश का सबसे बड़ा घोटाला आज सामने है, मोदी और अडानी महाघोटाला इसका हम नाम दे रहे हैं। जो मोदी जी की मिलीभगत के साथ भाजपा सरकार ने अडानी के साथ मिलकर ये करोड़ों का घोटाला किया है, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अडानी को दिया गया, आज 10 लाख करोड़ रुपया गरीब जनता का डूब चुका है, लेकिन भाजपा उस पर मौन बैठी है और उसको बचाने में लगी हुई है। आज आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इस घोटाले को उजागर करने के लिए और जनता को दूध का दूध और पानी का पानी और सच्चाई सबके सामने लाने के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग कमेटी बनाई जाए, जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद हों और जुडिशियल जजेस भी हों, ताकि इस घोटाले को उजागर किया जा सके। और अगर वो कहते हैं कि घोटाला कोई हुआ ही नहीं है, तो उनको डर किस बात का है? उनको तुरंत ज्वाइंट कमेटी बनानी चाहिए। फिर आज क्यों वो भाग रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि तो कंपनी के शेयर गिरने का मामला है, जांच की जरूरत नहीं है। देखिए, जिस कंपनी ने अपने शेयर को ही गलत तरीके से प्रोजेक्ट करके हजारों करोड़ों रुपए का लोन ले लिया हो, तो घोटाला क्यों नहीं है? आज हिंडनबर्ग की विश्व ने ये साबित कर दिया कि अडानी समूह ने अपनी झूठी फर्जी कंपनियां खड़ी करके अपने शेयर होल्डिंग्स को बढ़ाया और उसी शेयर होल्डिंग्स को दिखा के हमारी सभी संस्थानों से, सभी बैंकों से हिंदुस्तान में लोन लिया। 2.5 लाख करोड़ का लोन उनको दिया गया। आज गरीब जनता को 2.5 लाख का लोन लेना मुश्किल है, वो कोलेट्रल के बिना नहीं ले पाते, लाखों करोड़ उनको दर दर धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन मोदी जी की दोस्ती के कारण अडानी समूह को 2.5 लाख करोड़ का लोन दे दिया गया। अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति ये रहेगी, अगर इस पे तुरंत ज्वाइंट वर्किंग कमेटी नहीं बनाई गई और जुडिशियल इंक्वायरी नहीं बिठाई गई, तो आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतरेगी। सदन में भी हम आवाज उठा रहे हैं और लगातार सड़कों पे भी आवाज उठाएंगे और जनता को उजागर करेंगे। और हम मांग करेंगे कि अगली बार भाजपा को, जो एक देश के सबसे बड़े चोर को समर्थन दे रही है, उसको अगली बार वोट ना देके और उसको सरकार से बर्खास्त किया जाए।